और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है मौसम को लेकर। पहाड़ों पर जारी मौसम को लेकर बड़ी खबर, अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो चलिए आपको बता दें, शुरुआत हम यहां पर इसी से करते हैं कि पहाड़ों पर जारी भारी बारिश की खबर के साथ, और दिखाते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के आज अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, पालमपुर, राजगढ़, नाहन, ऊना, हमीरपुर में भी देर रात से मौसम बेहद खराब बना हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, तो कहीं पर देर रात से भारी बारिश हो रही है। जगह जगह जो वाहनों के जाम है वो यहां पर लग चुके हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में शिमला में पूरी तरीके से जो विजिबिलिटी है वो यहां पर जीरो हो गई है। मौसम जो है बेहद खराब है। मौसम विभाग ने भी कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है, और तस्वीरें हम आपको आठ जगहों की, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों पर किस तरीके से, नदियां उफान पर है कई जगहों पर, तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। नदी नालों के पास जाने की बिल्कुल मनाही कर दी गई है, और साथ ही जो पर्यटक पहाड़ों का अगर रुख कर रहे हैं तो उनके लिए भी गाइडलाइंस जो है जारी कर दी गई हैं। ये अलग अलग आठ जगहों की तस्वीरें आपको हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में मौसम कैसा बना हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालात फिलहाल वहां क्या बने हुए हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे, और मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है उसकी भी आपको जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार पहाड़ों पर किस तरीके का मौसम अभी फिलहाल बना हुआ है। क्योंकि आज की ये तस्वीरें हम आपको, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके का मौसम बना हुआ है। और पोंटा साहिब से संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांगड़ा से अनुप धीमान हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। कांगड़ा का रुख सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि कांगड़ा में वहां पर कैसा वेदर बना हुआ है, नदी नाले जो हैं काफी ज्यादा उफान पर हैं। अनुप बिल्कुल अंजलि, कांगड़ा में एक बार फिर मौसम जो है वो कल से ही बारिश जो है वो हो रही है, और देर रात से लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पर। और जिसके चलते जो है वो कल एक हादसा भी कांगड़ा के नूरपुर में सामने आया था, जहां पहाड़ी से पत्थर गिरे थे और वे कार के ऊपर गिरे थे। गनीमत ये रही कि जो उसमें कार में चालक थे उनकी जान बच गई उसमें, और उनको जो है वो घायल हुए थे, उनको टांडा रेफर किया गया था। तो ये लगातार पूरे प्रदेश से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मैं कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा में कल ये हादसा हुआ, कल ही जो नेशनल हाईवे 154 है वो जोगिंदर नगर के पास जो है वो कुछ घंटे के लिए बंद रहा था, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। तो लगातार सारे सड़कें जो हैं वो कहीं ना कहीं से बंद हो रही हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो लगातार खोलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये साथ के साथ जो सारी एक्सरसाइज जो चल रही है, सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, सबको सचेत करके रखा हुआ है जिला प्रशासन ने, और लगातार जहां से भी कोई दिक्कत आ रही है वहां पर जो है वो प्रशासन के लोग जो है वो उनको रवाना किया जा रहा है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो जिला कांगड़ा में बनी हुई है। आज के लिए भी जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है जिला कांगड़ा के लिए, और बारिश अभी तक लगातार हो रही है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से बारिश रही तो कहीं से और नुकसान की खबरें जो है वो अभी जिला कांगड़ा से और भी आ सकती हैं। जी अंजलि, जाहिर तौर पर और ऐसी खबरें जो है लगातार आ रही है, खासकर लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बना हुआ है। रॉबिन अभी हमारे साथ लगातार बने हुए, रॉबिन वहां पर कैसा फिलहाल मौसम बना हुआ है और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जो है कई जगहों को लेकर जारी कर दिया गया है खराब मौसम को लेकर। जी बताना चाहूंगा कि जिला स्तर मौसम लगभग पोंटा साहिब के साथ लगता है पुरवाला बाहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पर जो पुरवाला बाजार है पूरा बारिश का जो मलबा है और पानी है बाजार पे आ चुका है, जिसके चलते वाहन ठप हो रहे हैं, आवाजाही करना लोगों मुसीबत बन गया है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक मंदिर रेणुका जी के लिए जो सड़क जाती है वो अवरुद्ध हो चुकी है, जगह जगह भारी भूस्खलन है जिसके चलते लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो भाई अगर नेशनल हाईवे की सड़क की बात की जाए तो वहां पर भी कच्ची ढहान और कमरों के समीप भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे चलते लगभग अभी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। भले ही प्रशासन द्वारा जैसी मशीनों से सड़कें खोली जा रही है, लेकिन लगातार बीती रात से हो रही बारिश से लोगों को यहां पर परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सड़कों के किनारे लोग खड़े हैं, ऐसे में लोग सड़क खोलने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार जो बारिश हुई है लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन गई है। जाहिर तौर पर ये बारिश जो है राहत भी है, क्योंकि गर्मी से राहत लोगों को मिली है, आफत इसलिए क्योंकि जगह जगह इसकी वजह से कई हादसे अभी तक हो चुके हैं। और एक जो ताजा जानकारी अभी हमारे पास
पास आ रही है वो ये, क्योंकि खराब मौसम को लेकर राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगहों पर जलप्रलय की भी जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। कई नदियां जो है वो उफान पर, लाहौल स्पीति से भी कुछ इस तरीके की खबरें जरूर आई है। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ शिमला से इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। विकास, फिलहाल अभी क्या अपडेट है आपके पास मौसम को लेकर? देखिए, हिमाचल प्रदेश में ये पहले से ही कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से कि आज जो है वो भारी बारिश जो है वो हो सकती है। पिछले कल भी भारी बारिश हुई और ऐसे में खबरें जो है वो कुछ खास अच्छी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है और ऐसे में देर शाम से जो एक्टिविटी हुई है भारी बारिश के चलते, वो उसमें ये देखा जा रहा है जो जनजातीय जिले हैं, जिसमें अगर हम अब लाहौल स्पीति की बात करें, लाहौल स्पीति है या कुल्लू के साथ लगते जो इलाके हैं, इन तमाम जगहों पर बहुत से ऐसे नाले हैं जो कि अब उफान पर है। और यही नहीं, राज्य मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस भारी बारिश के बाद अब जो नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर रहेंगे। लोगों को थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है, थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। इस बाबत सभी जिला प्रशासन को अलर्ट भी भेजा गया था और ये अलर्ट बिल्कुल सटीक निकला। जो भविष्यवाणी थी मौसम विभाग की बिल्कुल सटीक निकली। राजधानी शिमला में भी आज भारी बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है, देर शाम से ही बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन जो है वो ज्यादा हो जाती हैं और भूस्खलन की परिस्थितियों को देखते हुए कई वाहन इनकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अभी अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, दर्जनों ऐसी सड़कें हैं नेशनल हाईवे तक, ये पूरी तरह से ठप पड़े हैं। आप अगर पठानकोट से चंबा की बात कर लीजिए, वो नेशनल हाईवे ठप पड़ा है। इसके बाद अगर आप मंडी से कुल्लू की तरफ की बात कर लीजिए तो तीन जगहों पर लैंडस्लाइड वहां पर मंडी जिला में हुआ है। इसी तरह से अगर शिमला की अगर बात करें तो शिमला में भी जो ऊपरी शिमला के इलाके हैं यहाँ पर भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुए हैं। हालांकि कब रिस्टोर हो पाएगा अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से भी कि युद्ध स्तर पर सभी सड़कों को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं जो लोग लापता हुए हैं या कुछ लोगों की मौत की खबर भी जो है वो बाढ़ की वजह से आ रही है। लाहौल स्पीति में भी एक बाढ़ की सिचुएशन जो है वहां पर बनी थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई है। बड़ी खबर है अंजलि कि 9 लोग वहां पर मिसिंग अभी भी बताए जा रहे हैं। इसी तरह से जगह जगह पर अभी क्योंकि सुबह का वक्त है, राज्य आपदा प्रबंधन पूरी तरह से जानकारी जुटा रहा है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है वो ये मिल पा रही है कि लैंडस्लाइड जो है वो कई जगह पर हुआ है। रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। बिल्कुल 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 बड़ी खबर है ये। विकास, बने रहिए आप हमारे साथ। अनूप, आपका भी शुक्रिया और रॉबिन, आपका भी शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी खबर की ओर इस बीच शुरू कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। बता दें आपको ये बड़ी जानकारी, तो जिंगनाला में फटा बादल जी आई, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले जनता टीवी पर दिखाने जा रही है। इनारा फटने के बाद की तस्वीरें सबसे पहले, और एक की मौत हुई और 9 लोग लापता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक की मौत और 9 लोग लापता। अभी भी आपको बता दें, पार्वती नदी में जल स्तर बढ़ने से ये गायब हुए हैं, लापता हुए हैं। और ये तस्वीरें बादल फटने की वजह से नाले में बाढ़ आई है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से आधा दर्जन नालों में बाढ़ आई है, और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो पहाड़ से आधे घंटे तक ये तबाही का मंजर जो है वो मचा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से पार्वती नदी जो है वो उफान पर आई, और उसके बाद ये आप देखिए किस तरीके से जो जल की स्पीड आप देख सकते हैं, किस तरीके से नदियों में ये पूरा का पूरा जो बाढ़ों का मलबा है वो यहाँ पर उफनती नदियों में तब्दील हो गया है। एक की मौत और 9 लोग लापता हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको जनता टीवी पर हम दिखा रहे हैं, ये सुबह के वक्त का वाक्य। और आप देखिए अपने आप में ही कितना ज्यादा ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और विकास, समाचार लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, जो जानकारी हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं विकास, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा लैंडस्लाइड की जब तस्वीरें आई थी, वहां की त्रासदी भी हमने देखी थी, 9 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। और अब ये जो बादल फटने का वाकया सामने हुआ है, अपने आप में ही काफी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। निश्चित रूप से देखिए, जो तोंजिंग नाला है, क्योंकि लाहौल स्पीति में छोटे बड़े सभी नालों में जो है इसी तरह से उफान पर है, और ऐसे में जो ऐसे नाले भी थे जहां पे पानी जो है वो ना के बराबर होता था, आज वहां पे अगर हम देखें तो वहां पर भी उफान पर नाले हैं। ऐसा माने कि बाढ़ जैसी परिस्थितियां जो है वो बनी हुई हैं। तोंजिंग नाला, जहां पर कल देर शाम से ये नजर आ रहा था कि बाढ़ के बाद हालात जो है बेहद खराब है, तुरंत जो मौके पर जिस तरह से ITBP है या फिर SDRF के लोग हैं या फिर पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, ये तमाम लोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं।
एक सबसे बड़ी बात यही है कि एक व्यक्ति की मौत जो है वो उसकी पुष्टि यहाँ पर हुई है, हालांकि 9 लोग अभी भी लापता यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यही नहीं अंजलि, इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन की चपेट में लोग आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, यहां तक कि नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरह से ठप बताए जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इस बाबत पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन इस तरह की आपदा के आगे किसका बस चलता है ये समझने की बात है। और ऐसे में रेस्क्यू जो टीमें हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत इसी वजह से आ रही है, क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं तो भारी बारिश की वजह से उनमें दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें सड़कों की बहाली की बात करें, या जिस तरह से प्रशासन ये दावा कर रहा है कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, भूस्खलन की जो परिस्थितियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि काम करने में और रेस्क्यू करने में भी दिक्कतों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो आईटीबीपी के लोग हैं या फिर यूं कहें कि पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, और इस तरह से अगर कोई फ्लैश फ्लड जैसी कोई सिचुएशन आती है तो अलर्ट पर जिला प्रशासन को रखा गया है। मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेश इस बाबत जारी कर दिए थे कि जिस तरह से रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जो है वो यहाँ पर सामने आया है, तो ऐसे में अब युद्ध स्तर पर जो है वो काम करने की जरूरत है ताकि जानी नुकसान को कम किया जा सके। बिल्कुल, जानी नुकसान को कम किया जा सके, इसको पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। मनमिंदर हमारे साथ भी जुड़ गए हैं जिन्होंने पूरी स्टोरी जो है वो कवर की है। मनमिंदर फिलहाल ताजा हालात वहां पर क्या बने हुए हैं, और जो लोग लापता हैं क्या कोई जानकारी उनके बारे में मिल पाई है क्या? देखिए, अगर मैं कुल्लू और लाहौल स्पीति दोनों जिला की बात करूं, भारी बारिश ने काफी जो उत्पाद जो दोनों जिलों में मचाया, खासकर जो लाहौल स्पीति के कई इलाके हैं वहाँ पे जो अलग अलग जो जगह पे जो नाले हैं वो बढ़ गए थे बादल फटने के बाद, वो बढ़ गए ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतें जो स्थानीय प्रशासन, मैं बताना चाहूंगा अंजलि ये जो इलाका है जगह जगह पे जो लैंडस्लाइड की वजह से जो बाद जो अब प्रशासन उसे खोलने की भी कोशिश कर रहा है, जिसके बाद जो कई कुछ एक एरिया ऐसे भी हैं जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन रात को शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद एक बॉडी जो है वो रिकवर कर दी गई, लेकिन अभी भी जो आप बता रहे हैं कि जो जानकारी मिली है कि 9 अभी भी जो लापता है। जी चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। मनमिंदर अरोड़ा से कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क करने की। और अभी हाल फिलहाल भी बादल फटने के बाद जो हालात बने थे और कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें लोग फंसे हुए थे, जाहिर तौर पर उन तक मदद पहुंचाने में भी दिक्कतें हुई थी। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, क्योंकि ऐसी त्रासदी या ऐसी आपदा जब भी पहाड़ों पर आती है कोशिश की जाती है कि हवाई मदद जो है वो भी वहां तक पहुंचाई जाए। अभी किन्नौर में भी हाल फिलहाल कई वीडियोज वायरल हुई थी जिसमें लोग पहाड़ों पर फंसे हुए हैं, वीडियोज बनाकर उन्होंने शेयर किया था। अभी इस तरीके की मदद जो है वो तैयार रखी जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए चॉपर जो है वो बिल्कुल स्टैंड बाय पे रखे हुए थे पहले से ही। ये कहा गया था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने अपना जो हेलीकॉप्टर है वो भी इसी चीज के लिए लगाया हुआ है कि जनजातीय इलाकों में अगर किसी तरह से कोई मदद की जरूरत है तो उसे तुरंत जो है वो उपलब्ध कराया जाए। लेकिन मौसम इतना खराब है और विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही ये दावा किया था। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा मानसून जो है वो कहर बनकर बरपा है, बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि शुरुआती दौर में अगर मानसून की जब शुरुआत हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि अभी मानसून जो है रफ्तार उसकी बहुत धीमी है, ऐसे में बारिश की संभावना तो है लेकिन इतनी बारिश अगर हो जाएगी तो ये भी किसी को अनुमान नहीं था। तो ऐसे में मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि विजिबिलिटी जो है वो कम रहेगी, धुंध जो है वो छाई रहेगी और आज शाम तक इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा। कम से कम आज तो ऐसा ही मौसम बना रहेगा अंजलि। इसके बाद कल येलो अलर्ट है, यानी कि कल थोड़ी रफ्तार जो है वो मानसून की धीमी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद मौसम जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। इसी बीच जो खबरें आ रही हैं जनजातीय इलाकों में जो लोग मिसिंग है या किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो उसके लिए भी चॉपर का उड़ान भरना बेहद मुश्किल है क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है और विजिबिलिटी ना होने के चलते चॉपर जो है वो टेक ऑफ नहीं हो सकता। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना जरूर जो है वो लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है और लाचार जो है कहीं ना कहीं ये व्यवस्था भी नजर आ रही है। जाहिर तौर पर व्यवस्थाएं जो हैं, क्योंकि पहाड़ों पर परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है तुरंत प्रभाव से मदद जो है वो पहुंचा पाना। विकास, क्योंकि अभी फिलहाल पर्यटन सीजन इतना पीक पे नहीं है, लेकिन जो लोग वहां पर आवाजाही कर रहे हैं उनको लेकर भी प्रशासन की जो सजगता है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल किस तरीके की गाइडलाइंस, ये आखिरी सवाल है विकास। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये कहा गया है राज्य सरकार की तरफ से भी, आपदा प्रबंधन की तरफ से भी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई थी कि
अगर कोई पर्यटक जो है वो यहाँ पर आना चाहते हैं, देखिए हमने एक वीडियो जो है वो कल बीते कल शाम को भी हमने दिखाया था, एक वीडियो जो है वो सामने आ रहा है जो ठीक वायरल जो है बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें ये दिखाया गया कि सड़क पर चारों ओर जाम लगाया और कई किलोमीटर तक का जाम लगाया, ये वायरल वीडियो था जिसके ऊपर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में नहीं है, राज्य में आने पर किसी भी तरह की कोई जाम जैसी परिस्थितियां नहीं है। लेकिन अब इन चीजों से बचने के लिए भी आग्रह जो है वो यहाँ पर किया गया था, ये कहा गया था कि इस तरह से भ्रामक प्रचार जो है वो हिमाचल प्रदेश का किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। लेकिन उसके बाद अब ये जो मौसम है, जिस तरह से मौसम कहर बनकर बरप रहा है, कहीं ना कहीं डर जो है वो पर्यटकों के मन में भी इस चीज का रहता है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन ने पहले ही ये हिदायत दी थी, एडवाइजरी जारी की थी और ये राज्य सरकार ने भी कहा था कि आप आइए, हिमाचल स्वागत है आपका, लेकिन ऐसी जगहों पर नदी नालों में जाने से बचें, या लोग सेल्फी के चक्कर में नदियों में कई बार उतर जाते हैं और अचानक से नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है, जिसमें बहने का खतरा जो है वो लगातार कई बार जान भी जोखिम में जो है लोगों की पड़ जाती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई थी, ये कहा गया था कि अनजानी जगहों पर ना जाएं, नदी नालों से दूरी बनाए रखें और जिस जगह पर भूस्खलन जैसी परिस्थितियां बनी होती हैं वहां से लोग जो है वो दूरी बनाए रखें, चाहे वो पर्यटक हो चाहे वो स्थानीय निवासी हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए एडवाइजरी जरूर जारी की गई है और ये देखा भी जा रहा है कि काफी हद तक अब मुश्किलें जो है वो बढ़ भी रही है इसी वजह से, क्योंकि भारी बारिश का दौर है और ऐसे में भूस्खलन की चपेट में कई नेशनल हाईवेज हैं, कई गाड़ियां हैं और कई लोग भी इसके चपेट में आ रहे हैं। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल नदी नालों में किस तरीके से उफनता ये जो सैलाब आप देख सकते हैं और आप समझिए ये मौसम का मिजाज इस तरह है कि पहाड़ों पर अब मानो कुदरत का ये कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लाहौल स्पीति में बीते दिनों हुई भारी बारिश से पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, ऐसे में अब लाहौल घाटी के गौजाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने सबको प्रशासन की मदद करने के लिए प्रेरित यहां पर कर दिया है। दरअसल स्थानीय युवाओं ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की मदद की और कर्मचारियों ने भी जान जोखिम में डालकर पेयजल लाइनों को दुरुस्त किया। स्थानीय युवाओं ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है जिसमें कि जल शक्ति विभाग का कर्मचारी जोखिम उठाते हुए नाले में घुसकर पेयजल लाइन को दुरुस्त कर रहा है। जरा वीडियो आप देखिए तो आप समझ सकते हैं ऐसे हालात में जब उफनती नदियां हो और पेयजल व्यवस्था जो है वो यहां पर क्षतिग्रस्त हो जाए, लेकिन मन में जज्बा और जुनून हो और मदद करने की इच्छा हो तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थानियों द्वारा भी इन कर्मचारियों की मदद जो है वो यहाँ पर की जा रही है, अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरीके से पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन पाइप लाइनों को किस तरीके से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें उफनती नदियों के बीच और जलभराव जो पहाड़ों से पानी काफी गति से आ रहा है उसकी वजह से कई जगहों पर जो पेयजल व्यवस्थाएं हैं वो अवरुद्ध हो गई है। तो हिमाचल में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंबा के डलहौजी में बीजेपी की अहम बैठक हुई, बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर मंथन किया और बीजेपी की तरफ से हर बूथ पर 100 कार्यकर्ताओं को जोड़े जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उधर अर्की मुख्यालय के इस करीब 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर लुटरू में शिव महादेव की गुफा है और आपको बता दें कि लुटरू महादेव के नाम से विख्यात हैं। इन दिनों यहां सावन महीने के चलते स्वयंभू शिवलिंग के दर्शनों के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। बता दें कि अर्की शहर की शीर्ष पर पवित्र लुटरू महादेव की गुफा है और यहाँ आदिकाल से ही प्राकृतिक का स्वयंभू शिवलिंग होने से बाघेल रियासत की स्थापना होने से पूर्व साधु संत एकांतवास करते रहे हैं। प्राचीन लुटरू महादेव गुफा इस प्रकार स्वनिर्मित है कि वर्षाकाल में पानी की बौछारें आसमान से इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। गुफा के अंदर मध्य भाग में करीब 8 इंच लंबी प्राचीन प्राकृतिक शिव की पिंडी विद्यमान है। लुटरू महादेव की जय। अपने अपने
शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब कोविड सेंटर में कोरोना रैपिड टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है और नेगेटिव आने के बाद ही श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। ये सुविधा ज्वालामुखी मंदिर के बाहर लंगर भवन के खाली परिसर में शुरू की गई है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी श्रद्धालुओं के रोजाना रैंडम टेस्ट कर रहे हैं। बता दें कि ज्वालामुखी मंदिर में 9 अगस्त को श्रावण अष्टमी नवरात्रि शुरू होने जा रही है और कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शक्तिपीठ ज्वालामुखी में डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल द्वारा यह सुविधा शुरू की गई। उधर ऊना में मोस्कस संस्था के संस्थापक रहे, आपको बता दें कि कंवर हरीश सिंह की पहली पुण्यतिथि पर हिमोत्सव परिषद और साथ ही प्रेस क्लब ऊना ने बंदेड़ा में पौधारोपण किया और इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर सिरमौर जिला राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाहन में जिला उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। नाहन में शिक्षक संघ की बैठक हुई थी, जिसमें बैठक में शिक्षकों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। मीडिया से बात करते हुए राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बताया कि कार्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी की जा रही है और 15-15 दिन तक कर्मचारी अपनी मनमर्जी से सीएम के तबादलों आदेशों को रोक देते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई सालों से कार्यालय में कुछ कर्मचारी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और तबादलों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसे अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उधर नालागढ़ में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि चुकनी नदी के पास पुलिस और तहसीलदार ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और मौके से पुलिस ने 4 वाहनों को जब्त किया है। मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है और माइनिंग एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया है। उधर मणिकरण कसौल में वाहनों के प्रवेश पर लगेगा सड़क विकास शुल्क। आपको बता दें कि कुल्लू जिले के धार्मिक और पर्यटन स्थल कसौल मणिकरण में ढांचागत सुविधाओं के सृजन के लिए ही कसौल में प्रवेश करने वाले वाहनों से विकास शुल्क लिया जाएगा। उपायुक्त और सड़क मणिकरण के अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सड़क विकास शुल्क हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर नहीं लगेगा और साथ ही उपायुक्त एवं अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने यह आदेश सड़क क्षेत्र मणिकरण के सदस्यों की तरफ से पारित प्रस्ताव है उसके तहत दिए हैं। आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश अब पंजीकृत वाहनों के अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर सड़क विकास शुल्क की जो दर है वो निश्चित की गई है। चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।